हेलो बच्चों, आज बीएससी सेकेंड ईयर का एसिड बेस कॉन्सेप्ट का सेकेंड लेक्चर बना रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? अरिनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था। उसमें से छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक नंबर का डेफिनेशन आता है। कुल हमको चार कॉन्सेप्ट पढ़ना था। पहले वीडियो मैंने बताया था अरिनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट, लुविस कॉन्सेप्ट और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यही आप लोग को पढ़ना था। दो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दिया हूँ। आज तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट आज वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो मतलब ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपका यूट्यूब पर तीन चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ, पूरा डिटेल विथ नोट्स। इसका भी नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पेपर की चिंता कतई ना करें। आते हैं पूरा डिटेल बताया हूँ, बुक में भी इतना नहीं मिलेगा। लेविस एसिड कंपटीशन लाइक पूरा एकदम, ठीक है? ध्यान दो, 1923 में जी एन लुइस, इनका नाम है जी एन लुइस, जी एन पब्लिक स्कूल में, समझ लेना गोरखपुर वाला। जी एन लुइस ने एसिड और बेस को अच्छी तरह से स्टडी किया और अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला गया लेविस, सॉरी हेडिंग होगा लेविस कॉन्सेप्ट। पहले ही मैं लुइस एसिड बता दिया, लुविस कॉन्सेप्ट क्या होगा? लुविस कॉन्सेप्ट। तो 1923 में जी एन लुइस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस समझने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि एसिड वह सब्सटेंस होता है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोला गया? लुविस एसिड। लुविस साहब ने क्या बोला कि भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी वह हमेशा क्या कहलाएगा, वह किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? लुइस एसिड। क्या बोलेंगे? लुइस एसिड, ठीक है? उसी प्रकार लुइस बेस वह सब्सटेंस होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है डोनेट इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू लुइस, एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुइस एसिड, एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुइस बेस। मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एसिड, ध्यान देना, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। बोल सकते हैं एक लाइन में परिभाषा लुइस साहब ने क्या दे दिया? अकॉर्डिंग टू लुइस, एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आपको नोट्स में सब मैं डिटेल दिया हूं, घबराना मत। केवल आप वीडियो देखो, अपने अंदर दिमाग में बैठाओ, नोट्स पढ़ो, अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यह कॉन्सेप्ट हो गया। अब उन्होंने और प्रकार का क्लासिफिकेशन किया, कैसे क्लासिफाई किया, थोड़ा ध्यान दो। ये सब जेएमएम में पूछता है या आपके एंट्रेंस एग्जाम दम देंगे एमएससी एमएससी का, बीएचयू से, तो वहां भी पूछेगा। अकॉर्डिंग टू लुइस कई प्रकार से उन्होंने क्लासिफाई किया। अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड आर, कौन कौन एसिड हो सकते हैं? उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि एसिड कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब हमको पता करना है कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? उन्होंने क्या बोला? पहला कि आल कैटायंस, जितने कैटायंस होंगे, कैटायंस मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, आल कैटायंस बिहेव एज एसिड। क्यों? कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता हुआ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आल कैटायन बिहेव एज एसिड, क्यों? बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? अब इस कैटायन में दो कैटेगरीज होगा, एक होगा स्मॉलर साइज कैटायन, क्या होगा? स्मॉलर साइज कैटायन, और एक क्या होगा? लार्जर साइज कैटायन। समझ में आ रहा है, ठीक है? तो स्मॉलर साइज कैटायन क्या होगा और लार्जर साइज कैटायन, समझो अंतर। जो स्मॉलर साइज कैटायन होगा वह स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होगा, वह स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होगा, और जो लार्जर होगा वह क्या होगा? वीक लुइस एसिड। क्यों?
मैंने बोला है कि भैया कैटायन एसिड की तरह काम करेगा, क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अरे लेगा ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कहीं ना कहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो वह किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। अब कैटायन दो कैटेगरीज का हो गया, एक छोटा साइज एक बड़ा साइज। मैं कह रहा हूँ छोटा साइज कैटायन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग लेविस एसिड होगा किससे, लार्जर साइज से। क्यों? क्योंकि स्मॉलर साइज कैटायन हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब किसी कैटायन का ज्यादा होता है उसके पास स्ट्रांग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। दैट इज द रीजन कि स्मॉलर साइज कैटायन आर स्ट्रांगर लेविस बेस देन लार्जर साइज कैटायन। क्लियर हुआ पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा देखो, उन्होंने बोला वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेंगे जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, कंप्लीट ना हो। मैंने कहा है कि वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेंगे जिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, लेकिन इस सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो तब इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा ना यार, अगर ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। जैसे देखो BF3 वैकेंट ऑर्बिटल, यह एसिड की तरह होता है। BCl3 यह भी एसिड होता है, यहां पर भी क्या वैकेंट ऑर्बिटल। AlCl3 फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, यहां पर भी क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। नहीं बात समझ में आ रहा है, तो मतलब वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करते हैं जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट न हो, लेकिन उस सेंट्रल एटम के पास क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो भले ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अपने कपड़ा नहीं रखेगा ना, फरिया रहा है हा? तो पहला आल कैटायन हो गया, आल न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तीसरा देखो, सब क्लासिफाई कर दिया हूं, यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा। लेविस एसिड कॉन्सेप्ट को समझाइए विथ एग्जांपल, सब दिया है नोट्स में, सब एग्जांपल दिया हूं, घबराना मत। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेंगे जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। देखो दूसरा बता रहे हैं, वहां इनकम्प्लीट था, यहां पर ऑक्टेट क्या हो कंप्लीट हो, लेकिन सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जैसे देखो SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, चार बॉन्ड बना है तो आठ कंप्लीट होगा, लेकिन इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसका रिएक्शन हम फ्लोराइड आयन से करा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो गया लेविस एसिड, यह डोनेट कर रहा है तो लेविस बेस। अब यहाँ क्या बन गया SiF6 पे 2-, यह हो गया साल्ट, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे सर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, अरे बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अपनी वैलेंसी एक्सटेंड बढ़ा लेगा। नहीं बात समझ में आ रहा, तो वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम कर सकते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दिस सेंट्रल एटम एक्सटेंड इट्स वैलेंसी एंड इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज लेविस एसिड एंड दिस एक्ट एज लेविस बेस। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है, एग्जाम्पल बहुत से मैं लिखा हूं। अगला देखो चौथा, चौथा क्या है, अगर कोई सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल में, सेंट्रल एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग किया है, अगर कोई सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग किया है विथ मल्टीपल बॉन्ड, विथ
मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग किया है, मोर अभी दिखा रहा एग्जांपल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग किया है लेकिन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस कंडीशन में भी वह मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेगा, वह मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेगा। ध्यान दो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग है विथ मल्टीपल बॉन्ड, या सल्फर है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्डिंग है विथ मल्टीपल बॉन्ड। अगर इसका रिएक्शन हम ऐसे स्पीसीज से कराते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो यहाँ पर लिसिस होगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब यह पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वह क्या होता है, लेविस एसिड होता है। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ एच ओ माइनस, यस सी ओ थ्री माइनस बाई कार्बोनेट आयन, क्या बन जाएगा बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी लिसिस होगा, लिसिस हुआ तो यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ पॉजिटिव होगा ये अट्रैक्ट करके जाएगा, तो अट्रैक्ट करके जा रहा मतलब क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा OH के साथ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर गया लेविस एसिड, या किसकी तरह हो गया लेविस बेस, क्या बन गया एच ओ ओ माइनस ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच एस ओ फोर माइनस बाई सल्फेट आयन, क्या बन गया बाई सल्फेट आयन। तो उन्होंने चार प्रकार से क्लासिफाई किया एसिड में, सारे कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन उनमें वैकेंट ऑर्बिटल हो, और सेंट्रल एटम, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बेस, बेस को दो ही बार से दो ही फॉर्म से क्लासिफाई किया गया, मिटाओ मैं इसको, सब नोट्स में है। ठीक है, अब इनके अनुसार बेस क्या क्या होगा, पहला आल एनायन, आल एनायन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी डोनेट करेगा, तो जब डोनेट करेगा तो किसकी तरह काम करेगा लेविस बेस। इसमें भी दो प्रकार का होगा, एक स्मॉलर होगा ना, एक स्मॉलर एक क्या होगा लार्जर। अब पूछा जाए लार्जर स्मॉलर में कौन स्ट्रांगेस्ट बेस होगा, तो लार्जर साइज एनायन स्ट्रांगेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आसानी से डोनेट करेगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इससे टाइटली बाउंड बंधा होगा, तो इसके देने में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन इसके देने में कठिनाई नहीं होगी। तो लार्जर साइज एनायन आर स्ट्रांगर बेस देन स्मॉलर साइज एनायन, ठीक है। दूसरा, वह सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेस की तरह काम करते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह पूरा लेविस बेस हो गया, ठीक है। इनका लिमिटेशन देख लो, पूछता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, लिमिटेशन ऑफ लेविस बेस, लेविस कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला कि सारे मेटल आइटम और वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, मेटल आइटम क्या होता है ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो लेविस एसिड हो गया, या डोनेट कर रहा है तो लेविस बेस हो गया। लेकिन आपको ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे NiCO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वह मेटल आयन को लेविस एसिड बताया। लेकिन बहुत से न्यूट्रल मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी एसिड की तरह काम करते हैं, यहाँ पर यह बताने में फेल हो गए, यह पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या है, किसी भी एसिड बेस की स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रांगेस्ट बेसिड होगा, कौन स्ट्रांगेस्ट बेस होगा, उसकी स्ट्रेंथ बताने में लेविस कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो दो लिमिटेशन में कॉपी में नोट्स में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आपका ये लेविस कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया, पूरा डिटेल में बताया, नोट्स है एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, बढ़िया समझिएगा तभी लिख पाएंगे, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें भी 15-20 मिनट का लेक्चर है, नोट्स आपको मिल जाएगा, पियर्सन कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, यह भी चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज़ शेयर फॉर BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर। आप सर्च करिए यूट्यूब पर MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, जो बच्चे ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन सही से पढ़ें, बढ़िया समझें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।